वो पाकिस्तानी गायिका, गीतकार, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थी। वो दक्षिण एशिया के पॉप संगीत में विशेष जगह रखती थी। उन्हें पाकिस्तान में सबसे प्रभावशाली गायकों में से एक माना जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र कला के फनकार, मेरे यानी प्रीति शुक्ला के साथ। आज मैं जिस सिंगर से आपको रूबरू कराने जा रही हूँ वो है बेहद ही खूबसूरत नाज़िया हसन। नाज़िया का जन्म 13 अप्रैल 1965 में पाकिस्तान की कराची में हुआ था। नाज़िया ने अपने गायन की शुरुआत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गीत से की थी, जो 1980 में भारतीय फिल्म कुर्बानी में दिखाई दिया। उन्हें इसके लिए प्रशंसा मिली और उन्होंने 1981 में महज 15 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। वो ये पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी बनी और वर्तमान में इस पुरस्कार को जीतने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता भी बनी हुई है। उनकी पहली एल्बम डिस्को दीवाने 1981 में आई थी। ये दुनिया भर में मशहूर हुई और उस समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एशियाई पॉप एल्बम बन गई। राज कपूर इस तरह प्रभावित हुए कि उन्होंने नाज़िया को इंडस्ट्री में उतारने का मन बना लिया, ब्लैंक चेक दिया और फिल्म का ऑफर, लेकिन नाज़िया ने मना कर दिया। और राज कपूर ही नहीं, कई सफल प्रोडक्शंस के साथ उन्हें काम करने का अवसर मिला पर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि नाज़िया की फैमिली जो थी वो ग्लैमर वर्ल्ड को बुरा तो नहीं मानती थी पर उनके स्कूल में एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। नाज़िया ने अमेरिकी स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन से लॉ की डिग्री हासिल की। नाज़िया का फिल्मी सफ़र बेहतरीन रहा और उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही काफ़ी बड़ा नाम कर लिया था, लेकिन नाज़िया की निजी ज़िंदगी कुछ खास नहीं थी। नाज़िया ने साल 1995 में इश्तियाक बेग से शादी की। इश्तियाक एक कारोबारी थे। शादी के 2 साल बाद नाज़िया ने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इस वजह से नाज़िया ने इश्तियाक से तलाक ले लिया। हैरानी की बात तो ये है कि नाज़िया के निधन से महज 10 दिन पहले उनका तलाक हुआ था। नाज़िया को 30 साल की उम्र में ही कैंसर हो गया था, जिसके बाद उन्होंने 5 सालों तक इस बीमारी के साथ जंग लड़ी और 35 साल की कम उम्र में ही 13 अगस्त 2000 को लंदन में नाज़िया का निधन हो गया। तो ये थी नाज़िया हसन। कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब सीधा चलते हैं अब्दुल कवि के पास और देखते हैं कि आज वो किस उभरते हुए सितारे से हमें मिला रहे हैं। तब तक मुझे यानी प्रीति शुक्ला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। शुक्रिया प्रीति जी। नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र कला के फनकार में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा सिंगर से, युवा गायक से करवाता हूं जिन्होंने अब तक कई स्टेज प्रोग्राम किए हुए हैं और यहां तक सारे गामा में भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, वो राहत फ़तेह अली खान और अभिजीत सिंह के जो गज़लें हैं, जो गायकी है उसको फॉलो करते हैं और उनसे ही इंस्पायर होके इन्होंने गायकी को शुरू किया। इस समय मेरे साथ हैं संगम भारती जी, आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने सिंगिंग कब से शुरू की और किस तरह से, किस गायक से इंस्पायर होके उन्होंने सिंगिंग को के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका संगम जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो सिंगिंग शुरू की किस एज से शुरू की और क्यों, कौन गायक है जिस गायक से आपने इंस्पायर होकर आपको लगा कि आप सिंगिंग कर सकते हैं? गा तो मैं बचपन से ही रहा हूँ और ज़्यादा ध्यान तो मैंने 2014 में दिया है। 14 से एक आता है चैती मेला यहाँ पे, अपने यहाँ गोला में होता है और वहाँ पे मैंने फॉर्म किया था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे लगा, लोग कहने लगे कि अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, कहीं जाना चाहिए, कहीं सीखना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर शुरू हो गया और वहाँ में बात करके लखनऊ में सीखने लगा।
तो आपने आपको ये कैसे रिकॉग्नाइज हुआ है, कैसे आपको पता चला कि आप अच्छा गा रहे हैं, किस आपके गांव वालों ने आपके दोस्तों ने इस चीज़ के लिए आपको इंसिस्ट किया कि नहीं आप अच्छा गा रहे हैं और अच्छा गा सकते हैं? दोस्त भी बोले हैं बहुत लोग, और बहुत बड़े बड़े जो दोस्त हैं जो भी हैं सब अच्छे लोग बोल रहे थे कि आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं बढ़िया से, और लखनऊ में सीख रहे हैं, अच्छी बात है, ये सब करते हैं। तो 2014 से आपने सिंगिंग शुरू की प्रॉपरली, तो सबसे पहले आपने कहाँ पे गाया, अपना गायकी का हुनर दिखाया, किस स्टेज पे दिखाया या किसी गांव में किस तरह से आपने शुरुआत की? सबसे पहले तो मैंने गोलम गाया था, मेरी दीदी की शादी थी वहाँ पे गाया था, तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने बहुत सराहना की और अच्छे से होकर, क्योंकि हर क्षेत्र में एक गुरु होता है जी। तो आपने जब गायकी शुरू की तो उस समय आपके गुरु कौन थे, और गुरु आपके यहाँ लखीमपुर में हैं या जैसा आप बता रहे हैं लखनऊ में जहाँ पर आप इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे? मैं जब यहाँ चैती मेला परफॉर्म करने गया, चैती मेले में, तब वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं एक मेरे गुरु जी हैं महेश आज़ाद जी और नरेंद्र आज़ाद जी जो ग्वाला में रहते हैं, तो वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, अभी तक भी सीखता हूँ, अभी भी जाता हूँ उनके यहाँ बैठता हूँ, अच्छे से सीखता हूँ। उसके बाद में फिर बाहर गुरु जी ने ही मुझे कहा कि आप बाहर जाओ वहाँ पे सीखो, यहाँ जितना मुझे आता है इतना आप सीखेंगे, बाहर जाके बहुत कुछ सीखेंगे। तो फिर लखनऊ गया, वहाँ पे सीख रहा हूँ, मेरा फोर्थ ईयर है वहाँ पे, इस समय बीपीए कर रहा हूँ वहाँ से। तो आप किस तरह के गाने या गज़लें किसको आप पसंद करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, किसको आप ज़्यादा अच्छा चाहते हैं कि मैं उस सिंगर को गाऊँ? मैं सूफ़ी अंदाज़ ज़्यादा पसंद करता हूँ, और राहत जी को, राहत फ़तेह अली खां जी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और उनके गाने ज़्यादातर गाता हूँ, और अरिजीत सिंह जी भी हैं, सोनू निगम जी भी हैं, उनके भी गाता हूँ। शहनाइयों की सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद से दुल्हन जमीन पे फलक से परी सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, हाँ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन 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 धड़कन
धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन मेरी धड़कन धड़कन तेरी धड़कन 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 मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। जी की गायकी को देख के आपको जरूर ऐसा लगा होगा कि संगम जी आने वाले समय के स्टार हैं, और मैं स्वतंत्र प्रभात की तरफ से भी संगम जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप देश विदेश में अपना और अपने गांव का और अपने ज़िले का नाम रोशन करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी कला कहीं भी हो सकती है, और इस वक्त मैं जहाँ हूँ वो एक बहुत छोटा सा गांव है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे मुझे जो इस फैमिली में आने के बाद लगी कि फैमिली का बच्चों को पूरा सपोर्ट है। और संगम जी से आपने सुना, और अब मैं आपको बताऊँ कि संगम जी की छोटी बहन है, क्या नाम है बताया था, अन्नू जी हैं, और ये भी सिंगिंग करती हैं। तो हमने सोचा कि आपको अन्नू जी का भी सिंगिंग का मज़ा दिया जाए, इस समय वो मेरे साथ में है, आइए उनसे कुछ बात भी करते हैं और उनका कोई एक अच्छा सा सॉन्ग भी सुनते हैं।